नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। आई एम डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉर्नियल अल्सर्स एंड दिस इज द पार्ट वन ऑफ द लेक्चर ऑफ कॉर्नियल अल्सर एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर्स। सो लेट्स बिगिन। अ कॉर्नियल अल्सर इज ऑल्सो नोन एज केराटाइटिस, इज एन ओपन सोर ऑन द कॉर्निया। द कॉर्निया कवर्स द आयरिस एंड द राउंड प्यूपिल, मच लाइक अ वॉच क्रिस्टल कवर्स द फेस ऑफ द वॉच। यानी कि घड़ी की कांच, अगर हम रिस्ट वॉच लगाते हैं तो उसका ग्लास जिस तरीके से अंदर के कांटों को ढकता है, उसी तरीके से कॉर्निया जो है वो अंदर के स्ट्रक्चर को, आयरिस को या और अपने आई के लेंस को कवर अप करता है। सो कॉर्नियल अल्सर यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम एन आई इन्फेक्शन, बट सीवियर ड्राई आई और अदर आई डिसऑर्डर्स कैन ऑल्सो कॉज इट। एंड बेसिकली कॉर्नियल अल्सर इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिकल इमरजेंसी। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हमने कुछ टाइप्स किए हैं अकॉर्डिंग टू कॉजेस। सो फर्स्ट इज इन्फेक्टिव केराटाइटिस। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, वायरल कॉर्नियल अल्सर, प्रोटोजोअल केराटाइटिस। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप है एलर्जिक केराटाइटिस, ट्रॉफिक एंड केराटाइटिस एसोसिएटेड विथ डिसीजेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, केराटाइटिस एसोसिएटेड विथ सिस्टेमिक कोलाजन वास्कुलर डिसीजेस, एंड लास्टली इडियोपैथिक केराटाइटिस, जिसके अंदर मुरेन्स अल्सर हमको दिखाई देते हैं। तो बात करेंगे बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के बारे में। Our cornea is the anterior most part of our eye. हमारे आंखों का सबसे आगे वाला हिस्सा जो है वो कॉर्निया माना जाता है, और ये एटमोस्फेरिक पोल्यूशन को या इंजुरीज को हमेशा एक्सपोज होता है। बट इसके अंदर प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म भी दिया हुआ है नेचर ने, जैसे कि लाइसोसाइम, बेटा लाइसिन और अदर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जो है वो हमारे आई के अंदर टीयर्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं, जिनकी वजह से कॉर्निया को प्रोटेक्शन दिया जाता है। नाउ इन्फेक्टिव कॉर्नियल अल्सर में डेवलप वेन आइदर द लोकल ऑक्युलर डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉम्प्रोमाइज्ड और द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज वेरी वायरुलेंट। यानी कि कॉर्नियल अल्सर तब डेवलप होगा जब या तो लोकल डिफेंस जो है वो वीक हो जाए, या फिर जब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है ये काफी ज्यादा वायरुलेंट हो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तब। देन एटियोलॉजी। सो थ्री पैथोजेंस आर कॉमनली सीन इन्फेक्टिंग द कॉर्नियल एपिथेलियम, और ये है नाइजेरिया गोनोरी, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी एंड नाइजेरिया मेनिनजाइटिस। कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज मे ऑकर ड्यू टू फॉलोइंग थिंग्स लाइक कॉर्नियल एब्रेशंस, एपिथेलियल ड्राइंग, नेक्रोसिस ऑफ एपिथेलियम, डिस्क्वामेशन ऑफ एपिथेलियल सेल एंड एपिथेलियल डैमेज ड्यू टू ट्रॉफिक चेंजेस। तो इनकी वजह से अगर ऑलरेडी डैमेज होता है तो बाद में बैक्टीरियाज इसमें इन्वेड करके कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। देन सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड एक्सोजिनस इन्फेक्शन फ्रॉम द ऑक्युलर टिश्यू एंड एंडोजिनस इन्फेक्शन। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेफेलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ई कोलाय, नाइजेरिया गोनोरी, मेनिनजाइटिस एंड कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी। सो दिस इज हाउ अ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर लुक्स लाइक। देर इज कंजेशन ऑफ स्क्लेरा अलॉन्ग विथ एन अल्सर इन द कॉर्निया विच रिजल्ट इन टू कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ कॉर्निया, एंड इसके अंदर से जो लिक्विड होता है अंदर, इंट्राऑक्युलर प्रेशर जो है वो इसके अंदर
कंप्लीटली वैनिश हो जाता है और अंदर का जो फ्लूइड है एंटीरियर चेंबर ऑफ आई में विट्रस फ्लूइड वो सारा बाहर निकल के आ जाता है। पैथोलॉजी ऑफ लोकलाइज कॉर्नियल अल्सर, तो इसके अंदर पैथोलॉजी में कुछ स्टेजेस हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या आता है, देयर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर और लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइटिक सेल्स जो हैं वो आके एग्रीगेट होते हैं, एपिथेलियम और पेरिफेरल सर्कुलेशन सप्लीमेंटेड बाय सिमिलर सेल्स फ्रॉम द अंडरलाइन स्ट्रोमा ऑफ दिस टिश्यू इज ऑल्सो अफेक्टेड। सब्सिक्वेंटली नेक्रोसिस ऑफ इन्वॉल्व टिश्यू मे ऑकर। सेकेंड स्टेज होती है अल्सरेशन की स्टेज, जिसके अंदर नेक्रोसिस और स्लफिंग ऑफ एपिथेलियम दिखाई देता है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज एक्यूमुलेशन ऑफ पुरुलेंट एक्सुडेट ऑन द कॉर्निया विल बी सीन। देयर ऑकर्स वैस्कुलर कंजेशन ऑफ द आयरिस एंड सिलियरी बॉडी एंड सम डिग्री ऑफ आयराइटिस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द अल्सर विल ऑल्सो बी सीन। स्टेजेस, स्टेज ऑफ रिग्रेशन, यानी कि धीरे धीरे अब ये जो डैमेज हुआ है वो रिग्रेशन होना शुरू हो जाता है। दिस इज बाय द नेचुरल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो उस पर्सन का डिफेंस मैकेनिज्म है, WBCs है, उसकी हेल्प से ये होता है। सो अ लाइन ऑफ डिमार्केशन डेवलप्स अराउंड द अल्सर। अल्सर को एक जगह पे कन्फाइन कर दिया जाता है और उसके अराउंड एक लाइन ऑफ डिमार्केशन फॉर्म हो जाती है। द डाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल मे रिजल्ट इन इनिशियल एनलार्जमेंट ऑफ द अल्सर। दिस प्रोसेस मे बी अकम्पनीड बाय सुपरफिशियल वैस्कुलराइजेशन दैट इंक्रीजेस द ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। द अल्सर नाउ बिगिन्स टू हील एंड एपिथेलियम स्टार्ट्स ग्रोइंग ओवर द एजेस। देन चौथी स्टेज है इसमें स्टेज ऑफ साइकेट्राइजेशन। इसका मतलब है हीलिंग इसके अंदर अब शुरू हो जाती है, प्रोग्रेसिव एपिथेलाइजेशन इसमें शुरू हो जाता है, धीरे धीरे स्कारिंग होके इसमें साइकेट्राइजेशन शुरू हो जाता है। सो बीनीथ द एपिथेलियम फाइब्रस टिश्यू इज लेड डाउन पार्टली बाय कॉर्नियल फाइब्रोब्लास्ट एंड पार्टली बाय द एंडोथेलियल सेल ऑफ द न्यू वेसल्स। द डिग्री ऑफ स्कारिंग फ्रॉम हीलिंग वेरीज। इफ द अल्सर इज वेरी सुपरफिशियल एंड इन्वॉल्व द एपिथेलियम ओनली इट हील्स विदाउट लिविंग एनी ओपेसिटी बिहाइंड। When ulcer involves Bowman's layer and few superficial stromal lamellae, the resultant scar is called as nebula. So in this diagram we can see four stages of pathology of corneal ulcers. The first stage of progressive infiltration, then second stage of active ulceration, third stage is of stage of regression and fourth stage is of cicatrization. Pathology of perforated corneal ulcer. अब जब perforation हो जाता है उस समय हमको क्या क्या चीजें दिखाई देगी। Perforation of corneal ulcer occurs when the ulcerative process deepens and reach up to descent membrane. अगर descent membrane को अगर ये perforate कर जाता है तो उस वजह से complete आर पार छेद cornea में हो जाता है। This membrane is tough and bulges out in descentocele. At this stage any exertion, अगर descentocele form हो गया है उस समय अगर person कोई भी exertion करता है, जैसे कि coughing, sneezing या फिर stool के वक्त straining करना, तो उसके वजह से ये कभी भी अल्सर जो है वो परफोरेट हो सकता है। इमीडिएटली आफ्टर परफोरेशन द एक्वियस एस्केप्स, जो एक्वियस ह्यूमर होता है एंटीरियर चेंबर ऑफ आई में वो परफोरेशन की वजह से बाहर निकल जाता है। इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर फेल्स एंड द आयरिस लेंस डायफ्राम मूव्स फॉरवर्ड। When the perforation is small and opposite to the iris tissue, अगर small perforation है तो वो अपने आप plugging हो जाएगा उसमें debris और वो अपने आप cicatrization होके heal हो जाएगा। So perforated corneal ulcer will look somewhat like this. This is generally a desmentocele. ये desmentocele है,
जिसके अंदर डिस्मेंट मेम्ब्रेन का बल्जिंग हो गया है, और इसके बाद वाली स्टेज जो होती है वो परफोरेशन होती है। इसमें अगर इस स्टेज में अगर कफिंग या स्ट्रेनिंग करता है पेशेंट, तो इमिडिएटली परफोरेशन इसमें हो सकता है। उसके बाद है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। हाइपोपियन अल्सर कब कहते हैं? हाइपोपियन अल्सर वो होता है जिसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हमको या दिखाई देगा, लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स जो दूसरे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं, अगर इनका एक्यूमुलेशन हमको दिखाई देता है तो उसको हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर हम कहते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें स्टेफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, गोनोकोका, मोरेक्सेला, सुडोमोनास, पायोसाइनी एंड न्यूमोकोकस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज फॉर न्यूमोकोकल इन्फेक्शन इज यूजुअली द क्रॉनिक डायक्रियोसिस्टाइटिस। क्लिनिकल फीचर हमको कौन कौन से मिलेंगे इसमें? पेन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, वाटरिंग, फोटोफोबिया, ब्लड विजन, रेडनेस ऑफ आई इसमें देखने को मिलेगा। इसमें डायरेक्टली कोई भी बैक्टीरिया इसमें वायरलनेस प्रोड्यूस नहीं करता, उसके टॉक्सिन्स जो है उसकी वजह से यहाँ लिम्फोसाइट्स और दूसरे जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर बॉडीज हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, और उसके रिएक्शन की वजह से इसमें अल्सरेशन फॉर्म होते हैं। साइंस आर लीड्स आर सोलन, ब्लेफरोस्पाजम, कंजंक्टिवा, स्केमोस, हाइपरेमिया एंड सिलियरी कंजेशन विल बी ऑब्जर्व। हाइपोपियन वी कैन सी इन द डायग्राम, कॉर्निया के नीचे वाले पोल में यानी लोअर पोल में एक अल्सरेशन हमको दिखाई दे सकता है, इसको ही हाइपोपियन कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉर्नियल अल्सर, टॉक्सिक आयरिडोसाइक्लाइटिस, सेकेंडरी ग्लाकोमा, डिसमेंटोसिल, परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर एंड कॉर्नियल स्कारिंग आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉर्नियल अल्सर। डिसमेंटोसिल हम इसमें देख सकते हैं, डिसमेंट मेम्ब्रेन का बल्जिंग। ट्रीटमेंट, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर हेल्पफुल इन दिस, साइक्लोफ्लेजिक ड्रग्स, सिस्टेमिक एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, विटामिन ए बी एंड सी सप्लीमेंट्स, हॉट फोमेंटेशन, रिमूवल ऑफ एनी नोन कॉज ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर एंड पेरिटोमी कैन बी डन to relieve the symptoms. Then marginal catarrhal ulcer, this superficial ulcer situated near limbus are frequently seen especially in old people. The marginal catarrhal ulcer is thought to be caused by a hypersensitivity to staphylococcal toxins. It occurs in association with chronic staphylococcal blepharoconjunctivitis and Moraxella and Haemophilus are also known to cause such ulcer. Clinical features, patient usually present with mild ocular irritation, pain, photophobia and watering. The ulcer is shallow, slightly infiltrated and often multiple, usually associated with staphylococcal conjunctivitis and recurrence are very common in these cases. Treatment involves topical corticosteroids, antibiotic therapy, treatment of associated blepharitis and chronic cases. Marginal catarrhal ulcers we can see here on the lateral border or temporal end of the eye. There is an ulcer which is complicated with conjunctivitis. That's it from the today's session. This session is powered by digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.